गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू मैथ्स। स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 5। ओके, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 5, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर टुडे वी स्टार्ट पार्ट नंबर 3। ओके स्टूडेंट, इन पार्ट 3 टुडे वी लर्न अबाउट डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट इन प्रीवियस पार्ट वी लर्न अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। बिफोर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन वी लर्न अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्यों? तो मीन्स देखिए, जिस टाइप से आपके ऑपरेशन होते हैं, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवीजन होता है, तीनों चीजें हमने बेटा अच्छे से लर्न कर ली, सीख ली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, डिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। ओके, बट डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, डिवीजन नहीं सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर है स्टूडेंट? तो यू नो वेरी वेल डिवीजन और यू नो वेरी वेल फ्रैक्शन। व्हाट इज डिवीजन? इक्वल शेयरिंग इज कॉल्ड डिवीजन। व्हाट इज फ्रैक्शन? अ पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। सो बेटा स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, देखिए सबसे पहले डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कहते किसे हैं। मान लीजिए ये आपका क्या होता आता है, 8/16। अब देखिए ये फ्रैक्शन हो गया, ये डिवीजन हो गया, और ये हो गया आपका 2/4। ठीक है, हो गया डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, हो गया, बोलिए हो गया। अभी सॉल्व करना है इसे, है ना? देखिए बेटा, अब इसे सॉल्व करना है। आप डायरेक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर देते हो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हो, ये सारी चीजें तो हो गई। बट इसको स्टार्ट करने से ना पहले बेटा, अब ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमको दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए हमें एक टर्म आता है रेसिप्रोकल, एक टर्म आता है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन समझ लेते हैं। ओके, तो नाउ स्टार्ट। देखिए बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, मान लीजिए कोई नंबर है, आप कोई फ्रैक्शन है 7/8, क्या करना है, रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल मींस बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन मींस बेटा टू इंटरचेंज ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। ओके, फ्रैक्शन आर इंटरचेंज। ओके, इट इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंटरचेंज। ओके, इंटरचेंज मतलब समझ रहे हो, आपस में अदला बदली, अदला बदली करते हो ना, आप मेरी ड्रेस ले लो, मैं आपकी ड्रेस ले लूँ, आप मेरी पेन ले लो, मैं आपकी पेन ले लूँ, है ना? तो आपकी चीज़ उसके पास, उसकी चीज़ आपके पास हो जाती है। उसी अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, यहाँ पे भी करोगे, इंटरचेंज करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे, न्यूमरेटर में 7 है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 8 है, न्यूमरेटर में आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा आपकी लैंग्वेज में कहें तो, कोई प्रॉब्लम। 3/4 को क्या कर सकते हैं, 4/3। 8/9 को क्या कर सकते हैं, 9/8, बोलिए। 6/4 कर सकते हैं हम इसको, 4/6, कोई प्रॉब्लम, बोलिए, कोई प्रॉब्लम बेटा, ऐसे करने में कोई प्रॉब्लम? ये क्या है आपका, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। जब भी आपसे कोई कहे कि इस फ्रैक्शन का आप रेसिप्रोकल करिए, तुरंत आप उसे इंटरचेंज कर दीजिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर की चीज डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की चीज न्यूमरेटर में। प्रैक्टिस हो गई, आगे चले क्या, चलिए दो नंबर्स के आप जो है रेसिप्रोकल करिए, 7/3 का, ओके, 4/8 का, चलिए रेसिप्रोकल करिए बेटा, रेसिप्रोकल करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, चलिए करिए सभी स्टूडेंट।
तुरंत करिए, आपके पास टाइम है 5 सेकंड का, ले लीजिए। ओके चलिए, हो गया आप लोगों का आंसर, कमेंट बॉक्स में करिए, तुरंत करिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। आंसर्स आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कहा था बेटा कि रेसिप्रोकल को क्लियर करने के बाद ही हम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन लर्न करेंगे। ओके देखिए, अब कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए, 7/2/3 डिवाइड बाय 2/3 डिवाइड बाय 3/4। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, डिवीजन करना है फ्रैक्शन का, है ना, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। देखिए बहुत से टर्म आएंगे, जरूरी नहीं है कि एक फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन से ही डिवाइड करो, एक फ्रैक्शन को आप होल नंबर से भी डिवाइड कर सकते हो, उसे मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से, मतलब बहुत सारे टर्म आएंगे, बहुत से टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे डिवीजन करने में। ठीक है, तो उन सारी चीजों को हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाई अ फ्रैक्शन। ओके तो चलिए सॉल्व करेंगे, 2/3 डिवाइड बाई 3/4 कैसे करेंगे। सॉल्व करने की सिंपल ट्रिक, 2/3 नोट कर दीजिए, ये जो डिवाइड का साइन है ना बेटा, अब कह दीजिए कि यहाँ डिवाइड का साइन हटा के आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दीजिए। सर ऐसा क्यों करेंगे, अभी बताते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, 3/4 को रेसिप्रोकल कर दीजिए। 3/4 को जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3। ओके सॉल्व कर दीजिए, 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9। ओके 8/9 हो गया ना, बोलिए हो गया। चलिए बेटा, हमें ये रेसिप्रोकल करने की जरूरत क्यों पड़ी, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके अच्छा ये बताइए, आप 4 की टेबल 3 टाइम रीड कर सकते हो, नहीं कर सकते। आंसर आपका पॉइंट गया है, क्या 3 से 2 को डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते। अगर ये इस अकॉर्डिंग होता 8/16 डिवाइड बाय 2/4 तो आप कर सकते थे। 2 से 8 को डिवाइड करते 4, 4 से 16 को डिवाइड करते 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर इज 1। बोलिए 2 4 जाए 8, 4 4 जाए 16, ठीक है, बोलिए हो जाता। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसे हो सकता है, बोलिए क्या यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए बेटा हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है, कि रेसिप्रोकल करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर हमारा आ जाता है। अब अगर हम इसको भी सॉल्व कर देना, फिर भी हमारा आंसर 8/9 ही आता, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता, अब हमें इतना लेंदी तो नहीं करना है। चलिए ये क्लियर, इस पे एक क्वेश्चन और कराएंगे, चलिए इसकी एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप, कुछ आप भी करिए ना। मान लीजिए 6/8 डिवाइड बाई 4/9 सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सर, चलिए कर लीजिए। 6/8 आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, डिवाइड का साइन हटाइए, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाइए, 4/9 को रेसिप्रोकल कर दीजिए 9/4 से, कोई प्रॉब्लम। अब कैसे करेंगे सॉल्व, क्या हो गया, देखिए इसके बाद का टर्म ये होता है बेटा कि या तो हम न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लें, या फिर चेक कर लें कहीं कुछ कट हो रहा है, मतलब कुछ कट हो रहा है तो चेक करते हैं। अच्छा कट कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा, देखिए न्यूमरेटर में 6 डिनोमिनेटर में 8, 6 और 8 क्या किसी भी नंबर से डिविजिबल हैं, तो सर ये जो नंबर्स हैं
वो 2 से डिविजिबल है, हमें 2 से क्या करना होगा, कट करना होगा, तो 2 3 जा 6, 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, 3 टाइम डिवाइड होगा, 2 से 8 भी डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, क्लियर, 3 9 जा 27, 4 4 जा 16, क्या इसके अलावा और कुछ कट हो सकता था? सर नहीं हो सकता था, ऊपर देखिए ऑड है नीचे इवन है, हो ही नहीं सकता था, यहाँ पे हो गया, हमने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ये तो था कि डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगा या जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। मान लीजिए कोई एक फ्रैक्शन है आपका 7/9, ठीक है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, इसे डिवाइड करना है हमें किससे, इसे डिवाइड करना है हम लोगों को 7 से, किससे डिवाइड करना है 7 से। अब 7 क्या है, एक हमारा होल नंबर है कि नहीं है, और हमने आपसे यही तो कहा है ना कि डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, हमें डिवीजन करना है एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर के द्वारा, ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए 7/9 आप ऐसे ही पहले नोट कर दीजिए फर्स्ट स्टेप में, इसके बाद भी आप डिवाइड का साइन लगा दीजिए, नेक्स्ट ये जो 7 है ना इसे न्यूमरेटर में कर दीजिए और डिनोमिनेटर में 1 कर दीजिए, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास कुछ नहीं है, 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो बात तो एक ही आएगी ना, 7 ही तो आएगा, तो डिनोमिनेटर में अगर हम 1 रख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बेटा, अब देखिए ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, 7/9 मल्टीप्लीकेशन का साइन, 7/1 को आप 1/7 कर दीजिए, न्यूमरेटर में 7 डिनोम, इसको देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो 7/1/9/7, न्यूमरेटर में 7 डिनोमिनेटर में 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1/9 आपका क्या हो गया आंसर। बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिंपल फ्रैक्शन था। अब आपका क्या आएगा, मिक्स फ्रैक्शन आएगा, बोले यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ना, नहीं है, चलिए अब आपका क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन ऑफ अ होल नंबर। अब एक मिक्स फ्रैक्शन आएगा जैसे 1/2/7 डिवाइड बाई 3, ओके, डिवाइड बाई 3, क्लियर है, 1/2/7 डिवाइड बाई 3। आप बताइए जब मिक्स फ्रैक्शन होता है तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये होती है बेटा कि हम उसको सिंपल में करें, करिए 7/7 प्लस 2 9 और 9/7 डिवाइड बाई 3, सिंपल फ्रैक्शन हो गया, होल नंबर हो गया। नेक्स्ट आपका जो स्टेप होगा वो क्या करेंगे बताइए, नेक्स्ट स्टेप में आप यही तो करते हैं कि ये होल नंबर को आप सबसे पहले क्या करते हो, फ्रैक्शन में करते हो। नेक्स्ट जो आपका स्टेप होता है बेटा वो क्या करते हो, 9/7 करके मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा के 1/3 कर देते हैं, 3 1 3 3 3 9। सर ये आपने कैसे कर दिया, आई एम नॉट अंडरस्टैंड, ओके, आई टेल यू स्टूडेंट, हमने ये कहा है किसी भी फ्रैक्शन में आप ये देख लेना क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हमने देखा बेटा 2 से तो ना तो 9 डिवाइड होगा ना ही 7 डिवाइड होगा, ना 9 डिवाइड होगा ना 3 डिवाइड होगा, ना 1 होगा ना 3 होगा, लेकिन 3 से जब हमने चेक किया तो 3 3 9 और 3 1 3, क्या इसके बाद हमारा कुछ डिवाइड हो सकता था, सर नहीं हो सकता था, 3 1 3 और 7 1 7, आपका आंसर 3/7। बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे,
कोई प्रॉब्लम? तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। चलिए अब आपने मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से कर दिया, बोलिए मिक्स फ्रैक्शन को आपने होल नंबर से डिवाइड कर दिया। मिक्स फ्रैक्शन को अब आप मिक्स फ्रैक्शन से ही करोगे। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन, कोई भी मिक्स फ्रैक्शन 6 एंड 3 अपॉन 7 डिवाइड बाई 7 एंड 1 अपॉन 2। बेटा ये भी मिक्स फ्रैक्शन, ये भी मिक्स फ्रैक्शन। आपकी प्रायोरिटी क्या होती है बेटा कि मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सर कैसे करते हैं देखिए ना, कैसे करते हैं एक बार मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना देख लीजिए। डिनोमिनेटर में 7 लिख दीजिए, यहाँ पे क्या है 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर में क्या है 3 प्लस कर दीजिए। 7 6 42, बोलिए 42 और 3, 7 6 42, 42 प्लस 3 आपका क्या आ जाएगा 45, इतना आ गया। आप यहां लिख दीजिए 45 और डिनोमिनेटर में क्या था 7 था ना, 7 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा डिवाइड में देख लीजिए 7 एंड 1 अपॉन 2, सेम प्रोसेसिंग यहां भी करेंगे। 2 डिनोमिनेटर में 2 नोट कर दीजिए, 7 एक होल नंबर है मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस कर दीजिए 1 को, क्या आएगा 2 7 14, 14 प्लस 1 आपका क्या आ जाएगा 15, बस 15 नोट कर दीजिए। डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो आप यहां पे 2 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं है तो अच्छी बात है। सॉल्व कैसे करेंगे 45 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 15, टेबल आती है 15 की, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 3 2 जा 6 और ये आ गया आपका 6 अपॉन 7। क्या बेटा इसके अलावा और हमारा रेड्यूज हो सकता था? तो सर बिल्कुल नहीं हो सकता था, बोलिए बिल्कुल नहीं हो सकता था। और ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन है बोलिए, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? तो बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर हमारा लेस है। ओके क्लियर। चलिए आपने मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड कर लिया, बहुत से टाइप्स के आपने डिवीजन सॉल्व कर लिए अपने फ्रैक्शन में। एक टाइप आपको और होता है डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाई अ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाई अ फ्रैक्शन। सर इसको कैसे करेंगे आइए देखिए। हमने आपको बताया डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो वहां पे 1 होता है ऑटोमेटिकली, डिवाइड का साइन 2 अपॉन। अब आप कर सकते हो रेसिप्रोकल करना, याद रखिएगा रेसिप्रोकल हमेशा राइट साइड को करेंगे, ये नहीं कि 6 के नीचे 1 है तो आप इसे कर दोगे, ऐसा कभी नहीं करोगे, क्लियर है ना। चलिए 6 अपॉन 1 और क्या है मल्टीप्लाई का साइन 3 अपॉन 2, 2 बन जा 2, 3 जा 3, 3 जा 9, 1 बन जा 1, 9 अपॉन 1 की वैल्यू आपकी क्या होती है 9, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और क्वेश्चन कराए क्या बोलिए, और क्वेश्चन करें? एक क्वेश्चन और कर लीजिए, वरना कहेंगे सर एक ही क्वेश्चन करा देते हैं, एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन भी नहीं कराते हैं। चलिए आपके एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन करा देते हैं। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन 3, सर कैसे करेंगे 1 के नीचे 1 डिवाइड का साइन 1 अपॉन 3,
क्लियर। नेक्स्ट आपका स्टेप होगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/1, कोई प्रॉब्लम? इस 1/3 को रेसिप्रोकल कर दिया, 3 से 3 उड़ा दो, 1 से 1 उड़ा दो, आंसर 1/1, इसकी वैल्यू 1, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे बेटा बोलिए, कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नहीं होगी। और क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करें, चलिए कर लीजिएगा, ठीक है। अब इतना कुछ तो पढ़ लिया, बहुत कुछ सीख लिया, तो अब बहुत सी चीज़ें हमने ऑब्जर्व की होंगी, ठीक है, ऑब्जर्व की हैं। तो चलते हैं डिवीजन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं समझ लीजिए। जैसे आप करते हो किसी भी डिवीजन में, डिवीजन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन, कहना यह है बेटा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी कि अ फ्रैक्शन डिवाइड बाय इटसेल्फ, अ फ्रैक्शन डिवाइड बाय इटसेल्फ गिव्स वन एज द क्वोटेंट। आपने वहां देखा था ना, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम उसी फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो क्वोटेंट हमारा वन आएगा। आपने देखा था ना कि 1/3 को डिवाइड कर रहे थे 1/3 से, उसी फ्रैक्शन को उसी फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो हमेशा वैल्यू हमारी 1 आएगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके, बोलिए बेटा। नेक्स्ट, ये तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती है कि व्हेन अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय 1, व्हेन अ फ्रैक्शन डिवाइड बाय 1, ओके, तो क्वोटेंट, क्वोटेंट इज ऑलवेज द फ्रैक्शन इटसेल्फ, क्वोटेंट इज ऑलवेज द फ्रैक्शन इटसेल्फ। हाउ? 6/7 डिवाइड बाय 1/1, लो 6/7, अब 1 को रेसिप्रोकल करोगे तो वो भी तो 1/1 ही होगा। सॉल्व करेंगे 6 × 6 = 7 × 7 = 7, वैल्यू तो सेम आएगी। तो बेटा ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई कि जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम हमारा फ्रैक्शन आएगा। अब नेक्स्ट, जब भी हम 1 को किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे, व्हेन 1 इज डिवाइडेड बाय अ फ्रैक्शन द क्वोटेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवीजर, द क्वोटेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ डिवीजर। जैसे बेटा किसी भी नंबर को अगर 1 को, देखिए यहाँ डिफरेंट हो जाएगा, 1 को डिवाइड करेंगे हम लोग 2/3 से, सिंपल है, 1/1 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 3/2, तो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी होती है कि जब भी हम 1 को किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्वोटेंट आएगा वो डिवीजर का रेसिप्रोकल आएगा, उल्टा आएगा। डिवीजर 2/3 था, इसी का रेसिप्रोकल आया है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। लास्ट प्रॉपर्टी है, अच्छे से समझ लीजिएगा, और प्रॉपर्टी है आपकी व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय अ फ्रैक्शन, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय अ फ्रैक्शन द क्वोटेंट इज ऑलवेज 0, व्हेन 0 डिवाइडेड बाय अ फ्रैक्शन 3/, ये समझ लो 6/7, सो आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। सर कैसे आएगा, 0 करोगे, डिवाइड का साइन लगाओगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे और 7/6 कर दोगे, 0/0 कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाई 7/6 कर दोगे, 7 × 0 = 0, 6 × 0 = 0, और 0/0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। बेटा चार टाइप की प्रॉपर्टीज हमने बता दी। पहली प्रॉपर्टी ये थी आपकी कि जब भी आप किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को उसी फ्रैक्शन से डिवाइड करोगे तो आंसर बनाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी, किसी भी फ्रैक्शन को
अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्वेटेंट जो आएगा बेटा, क्वेटेंट क्या आएगा, सेम फ्रैक्शन आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं किसी फ्रैक्शन से तो जिस फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं उसी का अपोजिट आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी थी बेटा कि किसी भी जीरो को किसी भी फ्रैक्शन से आप डिवाइड करते हो तो जो आपका आंसर आएगा वो जीरो ही आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमने आपको डिवीजन ऑपरेशन ऑन डिवीजन बता दिया। आप इन्हें क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा। आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 5.3 में। आप एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करिएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शन नंबर। इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट याद रखिएगा, इसको फिनिश करने के बाद आपका टेस्ट होगा। क्लियर है? आपका टेस्ट होगा। ओके ठीक है, तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।